पढ़ लिख कर कोई बैठ जाएगा तो क्या फायदा होगा। सास बहुत मजा ले ली, कह ली जा रही है ड्यूटी करने, दफ्तर जाएगी। सर सब कुछ पैसा ही तो नहीं होता है, नाम भी तो होता है, हमारे समझ से तो पैसे से बड़ा नाम होता है। ये साधारण लोगों की असाधारण कहानी है। हमारे देश में नारी को देवी तो माना गया, मगर सिर्फ पुराणों और ग्रंथों में। उसे घर की इज्जत तो कहा गया, मगर घर की चारदीवारी में कैद करने को। पीढ़ी दर पीढ़ी हर बेटी वही करती रही जो उसने अपनी माँ को करते देखा, और कई वर्षों तक हमारे देश का एक बहुत बड़ा समुदाय पीछे छूटता चला गया। बदलाव जरूरी था, जरूरत थी एक जन आंदोलन की। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने यूपी और बिहार में एक अनूठा प्रयास किया। उन जिलों में जहां महिला साक्षरता दर 30% से भी कम था, एक अनोखा अभियान चलाया गया, महिला साक्षरता अभियान। यूपी में त्वरित महिला साक्षरता अभियान 8 जिलों में दिसंबर 2002 में शुरू किया गया। कार्यक्रम का लक्ष्य था 15 से 35 साल की लगभग 25 लाख महिलाओं को साक्षर करना सिर्फ 5 महीने में। भारत सरकार और स्वयंसेवी संगठनों की इस अनोखी साझेदारी में वॉलंटरी ट्रेनर्स या VTs का चयन किया गया। उन्हें प्रशिक्षण देने और मदद करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त किए गए, और इन सबको प्रोजेक्ट ऑफिसर्स ने मॉनिटर किया। इस अभियान की शुरुआत में सबसे पहले गांव में पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाना जरूरी था। बबली 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 हर बात सुना तली, सिखा वतानी सिखा किताब पढ़ी। सबसे बड़ी मुश्किल थी 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, जो पढ़ाई को निरुद्देश मानती थी। उनके माँ बाप कहे कि क्या होगा पढ़ा लिखा कर। बहुत परेशानियाँ आई, लेकिन सब कुछ सहन करके हम लोगों को करना पड़ा। और फिर शुरुआत हुई अनोखे क्लासरूम की, और महिलाएं धूप छांव, आंगन खेत, नदी का किनारा, गली चौबारा, कहीं भी पढ़ने के लिए जुटने लगी। ये कहानी केवल आंकड़ों की नहीं, इंसानों की है। इस शिक्षा आंदोलन की जीवन धारा थी वॉलंटरी टीचर्स या VTs। हर VT ने 20 से 25 महिलाओं को साक्षर बनाने का जिम्मा उठाया, और बिना किसी स्वार्थ के अपना पूरा समय इस कार्यक्रम को दिया। लगभग 1 लाख VTs त्वरित महिला साक्षरता अभियान से जुड़े। अभियान के दौरान कई मुश्किलें सामने आईं। कक्षाओं में महिलाओं की संख्या कम होने लगी, कभी शीतलहर के कारण तो कभी शादी ब्याह और लगन के मौकों पर। लेकिन कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी, लोग जुटते गए, कारवां बनता गया। रजावती त्वरित महिला साक्षरता अभियान में मास्टर ट्रेनर है। हर हफ्ते की बैठकों में कार्य की प्रगति और समस्याओं पर विचार होता है। मास्टर ट्रेनर्स अक्सर VTs की कक्षाओं में जाकर निरीक्षण करते और अपने सुझाव देते। इस कक्षा में रजावती की माँ भी पढ़ रही है। हालांकि वो अभियान के टारगेट एज ग्रुप से बड़ी है, लेकिन रजावती ने उसे प्रोत्साहित कर इस अभियान से जोड़ लिया। और अब हाल ये है कि रमावती जब अपनी भैंस को चराने भी ले जाती है, तब भी उसकी किताबें साथ चलती हैं। अब तो रमावती खुद रामायण भी पढ़ लेती है। रोज रोज सनम तुम तो ऐसा करोगे, हम जाएंगे। साक्षरता एक नए रूप में सामने आई, गीत संगीत और अंताक्षरी में आखर चीनो और गाना गाओ। पिपरा परसोनी की किरण भी गाने और पढ़ने दोनों में आगे है। अपना नाम भी लिख लेती हूँ, अपने घर वालों का नाम लिख लेती हूँ, लेटर भी लिख लेती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ, अब क्या चाहिए। लगभग 25 लाख महिला विद्यार्थी और हर एक की अपनी कहानी। सफलता का सही अनुमान लगाने के लिए
बाहरी मूल्यांकन बहुत जरूरी था। एक बड़ा सैंपल साइज लेकर विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया। परीक्षा के दिन माहौल देखने वाला था। चारों ओर से महिलाएं अपने साक्षर होने का प्रमाण देने जुटने लगी। परीक्षाओं के परिणाम के इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, सफलता सामने थी। इन औरतों का आत्मविश्वास और उत्साह पास और फेल की लकीरों से कहीं आगे था। ऐसे ही साक्षरता की एक अलग झलक बिहार के 15 जिलों में। इन जिलों में 15 से 35 वर्ष की लगभग 30 लाख महिलाएं निरक्षर थीं। अभियान का लक्ष्य था 12 महीनों के भीतर इन महिलाओं को साक्षर बनाना, जिनमें से अधिकतर पिछड़े वर्ग या मुस्लिम समुदाय की थीं। और बिहार में जनवरी 2003 से यह अभियान शुरू हुआ। जिला प्रशासन व जिला साक्षरता समितियों द्वारा इन निरक्षर महिलाओं का सर्वे किया गया। फिर उन वीटीज का चयन हुआ जिन्होंने महिलाओं को साक्षर करने का बीड़ा उठाया। साक्षरता के महत्व को समझने के लिए शुरू से ही कई प्रचार माध्यमों का प्रयोग किया गया। इनमें गांव के लोगों ने खुद ही गेरू व नील के रंग से घर और खलियानों को अक्षरों से अलंकृत किया। बड़ी-बड़ी मस्जिद में मौजूद होता है, उसमें जोर शोर से। मस्जिदों से निकली इमामों की इन अपीलों ने भी अपना प्रभाव दिखाया और मुस्लिम महिलाएं भी इस अभियान से जुड़ती चली गईं। जरूरत के मुताबिक हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं की किताबें इन महिलाओं को दी गईं। इस अभियान में खास कदम उठाया गया। जन प्रतिनिधि महिलाओं के लिए 10 दिन के आवासीय शिविरों का आयोजन किया गया, जहां शिक्षा के साथ साथ इन महिलाओं को विकास संबंधी जानकारियां भी दी गईं। आरआई कैंप में हम लोगों ने पढ़ाई की अपनी बहनों के साथ में, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हमें। जो हम लोग आज तक नहीं सीख पाए थे वो इस कैंप में आने के बाद हम लोग सीखे। जिलाधीश से लेकर मुखिया व वार्ड सदस्य, शिक्षक और स्कूली बच्चों की भी इस अभियान में एक अहम भूमिका रही। इन्हीं प्रयासों के चलते गांव में साधारण महिलाएं भी आज साक्षरता कक्षाओं को चला रही हैं। एक जन आंदोलन की सफलता इसी में है जब खुद उसे लोग चलाएं। इन विशेष महिला साक्षरता अभियानों की चिंगारी अब ज्वाला बन चुकी है। इन अभियानों में कई किरण, तरन्नुम और शमीम सामने आई, पर ये कहानी आंकड़ों की नहीं, इंसानों की है। आज साक्षरता ने इनके जीवन को एक नई सोच, नई पहचान दी है।